गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर असेंबली होती है और असेंबली के जो मेंबर होते हैं एमएलएज, ठीक है, उनका किस तरह से इलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है। आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो एमएलएज होते हैं सेलेक्टेड, इनके अंदर से ही जो विनिंग या रूलिंग पार्टी जो होती है, जीती हुई जो पार्टी होती है उसके मेंबर होते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर वो किस तरह से वर्क करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली द प्लेस, एक जगह नहीं है वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस, जहाँ पे अपने व्यू ओपिनियन रखे जाते हैं, बट अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। देखिए ये बता रहे हैं कि ओनली एक जगह नहीं है जहाँ पे व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं, बट यहाँ एक्शन भी लिए जाते हैं डिमांड के लिए, ठीक है। यू विल फाइंड, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, टी वी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर सब में आता ही है। इन ए डेमोक्रेसी, देखिए एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर देयर आर वेरियस वे, बहुत सारे तरीके हैं थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस, जहाँ लोग हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं देयर व्यूज, अपने बातें, एंड ऑल्सो टेक एक्शन, और एक्शन भी ले सकते हैं। लेट्स लुक एट वन सिचुएशन, एक तरीके पे हम देखते हैं। देखिए पहले ये होता था कि असेंबली जो होती है वहीं पे जो भी डिसीजन लिया था लिया जाता है वो सारे लोग मान लेते थे, बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। असेंबली, हाँ ठीक है, एक जगह है वहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर सकते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उनका एक्शन लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए बहुत सारे, जैसे टीवी, मास मीडिया जिसको बोलते हैं, मल्टीमीडिया है, डिजिटल इंडिया है अपने पास, तो इन सारी चीज़ों से व्यक्ति है वो अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने रख सकता है। सून आफ्टर द डिस्कशंस इन द असेंबली, असेंबली में डिस्कशन के बाद में देयर वॉज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जो सारे टॉप जो मीडिया के जो मेंबर होते हैं ना, जैसे मान लेते टीवी चैनल जिसको आप ऐसे समझते हो, आज तक है, इंडिया टीवी है, जी न्यूज़ है, जो भी सारे मान लेते हैं, जो भी होते हैं ना सारे प्रेस वाले, इन सबको बुला के और उनके सामने कॉन्फ्रेंस की जाती है, उन सबके साथ में बात की जाती है, उसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर। देखिए हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे कि इस तरह असेंबली में डिस्कस हो रहा था, उसमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे थे कि हमारे एरिए में हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हेल्थ मिनिस्टर है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, अलग अलग जो अलग अलग न्यूज़पेपर के लोग थे वो आते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, और मिनिस्टर और गवर्नमेंट के लोग भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, मिनिस्टर बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने क्या क्या जो है वो स्टेप लिए, क्या क्या कदम उठाए। रिपोर्टर्स आस्क मैनी क्वेश्चन, जो रिपोर्टर आते हैं ना वो मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। दिस डिस्कशन वर रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और ये जो डिस्कशन होता है ना अलग अलग न्यूज़पेपर में फिर प्रिंट किया जाता है। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट, इस तरह की एक पेज के अंदर रिपोर्ट तैयार हुई है, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पटेलपुरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इस तरह की खबर तैयार होती है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, एक बार फिर से उसको देखिए न्यूज़पेपर को कि किस तरह से खबर तैयार होती है, ठीक है। तो मिनिस्टर है वो दौरे पे जाते हैं या विजिट करने जाते हैं। दे वेंट टू सी विजिट फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, वे उस परिवार के पास जाते हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया, एंड ऑल्सो विजिट पीपल्स इन द हॉस्पिटल, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपोजिशंस फॉर दीज, गवर्नमेंट है उनके लिए कंपोजिशन सहायता की घोषणा करती है, जो भी परिवार होते हैं उनको कुछ रियायतें देती है, कुछ उनके लिए पैकेज देती है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सैड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन, देखिए सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि प्रॉब्लम ओनली सैनिटेशन की नहीं है, बट ऑल्सो द लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो है वो साफ़ नहीं है, इसी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ही सैड ए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, वो कह रहे हैं कि हम एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे कि डेथ कैसे होती है या फिर प्रॉब्लम क्या है। विल आस्क टू इन टू नीड्स टू डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटी, एंड वुड रिक्वेस्ट टू मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन्स, ठीक है। तो जो मिनिस्टर होते हैं ना वो बताते हैं कि सीएम जो है वो कहते हैं कि हम लोग एक हाई कमीशन मतलब बनाएंगे, एक
जांच करवाएंगे और किस किस वजह से डेथ हुई है, और जो सैनिटेशन और वाटर सप्लाई है जो ना उसकी क्या कंडीशन है, उसके लिए भी हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी जांच करते हैं, फिर उसको उसके ऊपर काम करते हैं। एज यू सी अबाउ द पीपुल्स इन पावर, लोगों की पावर, लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, किस तरह से जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो डिसीजन लेते हैं, दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, यही तरह इसी तरह की जो वर्क होते हैं ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं, लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक कल्याण के जो कार्य होते हैं, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खेती से संबंधित, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना उनमें इसी तरह से वर्क किया जाता है। सबसे पहले MLA चुनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद में असेंबली में बैठते हैं, असेंबली में अपोजिशन पार्टी है वो कुछ टॉपिक होती है वो उन पर डिस्कस करती है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो उस पर एक्शन लेती है। सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें इसी तरह से वर्क किया जाता है। ऊपर हमने एक हेल्थ जो मिनिस्टर है उसके बारे में देखा था, दे हैव ऑल्सो टू आंसर क्वेश्चन दैट आस्क इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप आर बींग टेकन। ठीक है, तो लोग जो है वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस, इसी टाइम पे क्या होता है न्यूज़पेपर और मीडिया एक्टिव होता है और वो जो है वाइडली डिस्कस करते हैं द इश्यू एट द गवर्नमेंट हैड बी रेस्पॉन्स्ड फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना उसके अंदर मीडिया जो है वो अपना काम कर लेती है, काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं उनसे पूछ लेती है। द गवर्नमेंट टेक ऑल्सो डिसाइड, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया जो लॉ बनाने की स्टार्ट करने की बात की है, जैसे कि सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्यूएट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया, तो इसके लिए ये इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए हेल्थ और सैनिटेशन के लिए कि अर्बन एरिया जो शहरी एरिया है वहाँ पर सब जगह टॉयलेट हो। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, म्यूनसिपल कमीशन आता है ना, नगर पालिका या नगर निगम जो होता है वहाँ का, उसको ये चार्ज दिया जाता है। इट्स मे ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर होते हैं ना नर्सेज, इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, हर गांव के अंदर हेल्थ वर्कर होना चाहिए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ, जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, अंडर सर्टेन इश्यू इज़ डन बाई इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ईच स्टेट, तो हर जो स्टेट होता है ना उसकी असेंबली के अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं ना उन पर क्विक डिसीजन लेना चाहिए। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, कुछ जो होते हैं ना उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लागू करते देते हैं। लॉ फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट, देखिए स्टेट के जो डिसीजन होते हैं, स्टेट के जो लॉ होते हैं ना वो स्टेट असेंबली करती है, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर अगर सेम उसको लागू करना है, एक ही लॉ जो है उसको पूरी कंट्री पे लागू करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो होती है संसद वो कानून बनाती है। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट इन नेक्स्ट ईयर, पार्लियामेंट के बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन ए डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है इसको अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। इट इज़ डेमोक्रेसी क्या होता है, इट इज़ द पीपुल वू इलेक्ट, एक मान लेते कोई भी पर्सन जो इलेक्ट होता है, देयर रिप्रेजेंटेटिव इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दस इट इज़ पीपुल वो हैव द मेंटेन अथॉरिटी। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, एक पर्सन जो इलेक्ट होके जाता है, ठीक है, उसको कौन इलेक्ट करता है, दूसरे पर्सन, दूसरे जो लोग होते हैं उसको अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं वोट करके, और फिर उसको असेंबली में अपना जो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। देखिए हम ऐसे समझते हैं कि हमारी क्लास के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, अब क्लास के अंदर मान लेते हैं 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी एक को मॉनिटर बनाना है, तो सभी जो लोग होते हैं जिनको अपनी क्लास के किसी एक स्टूडेंट पे ये भरोसा होता है कि हाँ ये हमारी बात है अच्छे से बिना किसी भेदभाव के जो हमारी स्कूल कमेटी है उसके सामने रखेंगे, तो फिर सारे लोग क्या करते हैं उसको वोट करके उसको जिता देते हैं, और फिर वो जो स्कूल कमेटी होती है उसके अंदर वो उनका जैसे एक क्लास पर्टिकुलर जैसे 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास तो सबके अपने 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 एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इसी तरह से MLAs होते हैं। Thus, it is the peoples who have the maintained authority, the ruling party members
देन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना ये MLAs बनते हैं, और उसके बाद में कुछ जो होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और मिनिस्टर बना दिए जाते हैं जो जीत जाते हैं, रूलिंग पार्टी होती है। दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। ये जो मिनिस्टर बनते हैं इनको अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज बनाया जाता है गवर्नमेंट, सच एज हेल्थ। इन अबाउ एग्जाम्पल हमने हेल्थ मिनिस्टर देखा था, विद वॉट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट एज ही टू बी अप्रूव्ड बाई द मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किस तरह से उनको काम करना है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है या जो होता है अप्रूव होता है वो असेंबली इनको करती है। गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर होते हैं, ये सारे के सारे MLAs होते हैं। ए वॉलपेपर प्रोजेक्ट, ठीक है, ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रीच दे कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वॉलपेपर होता है ना, जिस तरह से अपने एक वॉलपेपर चिपका देते हैं तो सारों सभी का उस पर अटेंशन होता है, तो इसी तरह के किसी एक फिक्स टॉपिक पे डिस्कशन करना, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक और इंटरेस्ट। दिस फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग ए वॉलपेपर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर भी अगर हमको किस तरह से किसी चीज़ को या किसी टॉपिक पे फोकस करना है तो हम लोग उसका डायग्राम बना के उसको चिपका देते हैं, जिससे सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस तरह से क्लासरूम का सीन दिखा रखा है, किस तरह से जो बच्चे हैं वो एक वॉलपेपर क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से ये जो वॉलपेपर चिपका के और अपनी जो भी मांगे होती हैं, डिमांड होती हैं, उनको उस पर रख सकते हैं, और जो भी हमारा हेड होता है उस तक हमारी बात इजीली पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था ना कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देते हैं जिससे ये सारा समझ में आ जाएगा। देखिए, हर हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, ठीक है, एवरी स्टेट के अंदर एक असेंबली होती है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, हिंदी में विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट होती है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर होते हैं। ठीक है, ये असेंबली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, इसके लिए जो इलेक्टेड होकर जाते हैं मेंबर। तो जितने भी हमारे जैसे राजस्थान का एरिया है, पूरे एरिए को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, वहाँ पर वोट होते हैं, फिर उस वोट से उस एरिया से एक पर्सन, एक व्यक्ति है वो इलेक्ट होके असेंबली में जाता है। तो हमारा जो राजस्थान है उसको 200 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 200 जो हमारे क्या हो गए, MLA, ये हमारे 200 MLA हो गए। अब ये जो MLA होते हैं ये अलग अलग पार्टी से होते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा था कोई BJP से होता है, कोई कांग्रेस से होता है, कोई अदर जो पार्टी से होता है, कोई इंडिपेंडेंट होता है, बिना किसी पार्टी के भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्टी के होते हैं। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट या जैसे 200 के अंदर से सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी होती है, वो हेड बन जाती है। ठीक है, फिर जो वो रूलिंग पार्टी और जो हेड होता है ना, उसके अंदर से उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनके अंदर से एक को CM बनाया जाता है, वो अपने अंदर से ही बनाते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में ये जो CM होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी पार्टी के जितने भी इलेक्टेड MLA होते हैं उनमें से अपनी पार्टी के, ठीक है, उनमें से ही ये मिनिस्टर बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, स्पोर्ट्स के लिए हो गया, तो जितने भी तरह के वर्क किए जाते हैं सबके लिए अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, और डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है जिसको डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर वो जो डिपार्टमेंट होता है वो अपना वर्क करते हैं, उनको सबको अपना अपना काम दे दिया, वो काम करते हैं। इस काम को करेंगे कैसे, असेंबली जो होती है उसमें सभी कैटेगरी के जो MLAs होते हैं, एक तो ये जैसे मान लेते हैं ये CM साइड के हो गए, ठीक है, ये गवर्नमेंट हो गई, और ये अदर वाले हो गए। अब ये क्या करते हैं कि स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चलती है उससे रिलेटेड अपने अपने एरिया की जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसको असेंबली में रखते हैं, बात करते हैं उस पर, टॉपिक रखते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है ना उसको सवाल पूछते हैं कि आपके टाइम में ये काम नहीं हो रहा, जैसे कि कहीं पे एजुकेशन नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है, कहीं पे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो इस तरह के सवाल पूछते हैं। उसके बाद में CM और गवर्नमेंट जो होती है ना वो इनको जवाब देते हैं कि हमारा काम किस तरह से चल रहा है,
फिर ये लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जो भी मीडिया होती है उसके सामने घोषणा करते हैं कि हम ये वर्क करेंगे, हम ये वर्क करेंगे, ठीक है। फिर जो भी एरिया रिलेटेड होता है उस पर जाके ये लोग उस पर काम करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, वर्क करती है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है।